बिहार फिजिकल रनिंग एकेडमी, मैं अभय कुमार नीरज सर आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसे कि दरोगा का रनिंग चल रहा है, आज 16 तारीख है, कल तक रनिंग है उन लोगों का, जिसमें आज हमारा दो लड़का निकाला हुआ है, जिसमें एक नहीं आया है और ये हमारे भाई साहब आए हुए हैं, जिनसे जानते हैं वहाँ का प्रक्रिया कैसे रहा। धूप आज तो मौसम ठंडा था, लेकिन वहाँ रनिंग कैसे करा रहा, हाई जंप कैसे करा, आखिरी में कैसे ले रहा, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगला दिन लड़की लोग का रनिंग होने वाला है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ अभी जैसे परिस्थिति चल रहा है उसका कैसे है, उसको जानते हैं। सबसे पहले तो इनको जोरदार स्वागत हो जाए। आपका नाम? सुमन कुमार। सुमन कुमार, ये हुए आप कहाँ से आए? हम अररिया डिस्ट्रिक्ट से आए थे, यहाँ पे प्रशांत जो बाबा के नाम से जाने जाते हैं, वही दोस्त के मतलब जो यहाँ पे आया, उसके बाद यहाँ पे शंकर और भी दोस्त बने, उसके बाद साथ में फिजिकल करने लगे। यहाँ का जैसे हम लोग मेहनत कराते हैं उसका कैसा रहा? यहाँ यही का बदौलत है कि अभी फिजिकल कर पाए, क्योंकि लास्ट में जो एफर्ट लगाने की बताए थे बस सेम टू सेम मतलब वही एफर्ट लगाए लास्ट में, वही एफर्ट काम हो दिया, नहीं तो जैसे आप दौड़ रहे थे तो आपके साथ भी और लड़का होगा जो बैच बुक बना के दौड़ रहा था, तो वैसे कैसे आप आगे जाते हैं या पीछे से मिला के चल रहे थे? तीन राउंड तक नॉर्मल रखे, मतलब स्टेप पे चले, तीसरा राउंड में काटने लगे जिस तरह बोले थे आप, और चौथा राउंड में स्पीड बढ़ाए, पाँचवा राउंड में फिनिशिंग तो नहीं लगा पाए, लेकिन 100 मीटर का जो फिनिशिंग थोड़ा सा उसको लगाए। हम थोड़ा गलती किए थे कि बी वाला गेट पे नहीं घुस करके बी वाला गेट से बाहर होकर ई में घुस गए थे, तब वहाँ से एगो मतलब लड़की खड़ा थी धक्का देकर, कॉन्स्टेबल थे, धक्का दे करके बी पे घुसाया, तब जैसे बी पे घुसे तब चिप लगा हुआ रहा था ना, तो उसका आवाज़ आने लगा, तो तब फिर 6:29 लगा अपने से। आपके लिए वो लड़की बहुत कुछ की है, नहीं तो आप छंट जाते। उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका हाई जम्प में आपका फर्स्ट सेकंड में हमारे फर्स्ट सेकंड में हो गया, और सात दिन के लिए कोशिश किए थे सर, कोई बात हाथ लग गया था तो लॉन्ग जम्प, लॉन्ग जम्प एक पहली बार में। लॉन्ग जम्प में क्या है, कोई इशू है कि सीख रहे सब? नहीं, 12 फीट के लिए कोई दिक्कत नहीं है, 16 फीट में थोड़ा सा जो कम भी रह जाता है पास करा देता है, सार्जेंट में बहुत मतलब कि ज़्यादा निकाल रहा है, बहुत ज़्यादा, ये तो है, सार्जेंट में कोशिश भी करा रहा है। देखिए जैसे सार्जेंट के लोग हवा बनाए उसका नंबर कम जाएगा, मेरी कम बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमें पता चला है कि डेली सार्जेंट 50 निकल रहा है, 50 से 60 100 भी हो जा रहा है। मेरे अनुसार से यदि 4 फीट यहाँ क्वालीफाई करते हैं वहाँ थोड़ा एफर्ट लगाइएगा सार्जेंट वाले, क्योंकि वहाँ का थोड़ा डाउन जो यहाँ हम लोग जैसे मेहनत कराए हैं, अगर उस लेवल से आप 60 से 70% भी अगर कर लिए हैं तो वहाँ फिजिकल में नहीं छूटिएगा, ये हमारा वादा है। और हम वहाँ बहुत फिजिकल भी देख लिए हैं, और यहाँ करा लमसम 5-1 हज़ार बच्चा को तो फिजिकल कराए हैं, जिसमें जितना भी क्वालिफाई हो ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन 1 हज़ार लड़का को फिजिकल कराए हैं तो उतना अनुभव आ गया है कि हाँ कहाँ कितना कराएंगे तो उसका फिजिकल क्वालिफाई हो सकता है। आइए, हमारा एक बार बोलना चाहेंगे सर, हमारा पास करने का वजह से तो यही है कि उस सर खिंचाए नहीं थे लास्ट में टाइम ट्रायल के लिए, वही हमको काम दिया। आइए, हमारा एकेडमी का जो एक परंपरा है, बच्चों को हम लोग स्वागत करते हैं फूल पहनाकर, वो हम हमेशा जारी रखेंगे, जो भी बच्चा निकाल के आएगा, कल भी हमारा 4-5 लड़का का है, वो लोग भी निकाल के आएगा, और ये लोग जितना हमारे बहन लोग दिख रही है इन सब का फिजिकल निकलेगा, सब गेट पास लेकर आएंगे, ये थोड़ा सा आप लोग एफर्ट लगाइए सबका हो जाएगा। और आइए माला पहनिए, और रही बात कि आने वाला जो भी लड़का है कल के लिए हमेशा मोटिवेट रहिए, आप बहुत लड़का जो रनिंग निकाल रहा है उसको छाँटना नहीं, वो वहाँ के अधिकारी इतना इस समय का अधिक मतलब पोलिटली है कि सबका फिजिकल क्वालिफाई करा दे रहा है, हाई जंप में बहुत चांस दे रहा है, तो आप लोग रनिंग निकालिए, रनिंग पर मेन फोकस कीजिए, जो भी हो उसको अच्छे ढंग से कीजिए, और आप वहाँ फिजिकल क्वालिफाई करके आइए। मेरा शुभकामना और मेरी टीम का शुभकामना आप सभी के साथ है, मैं आने वाला समय में इनको वर्दी में कहीं ना कहीं देखना चाह रहा हूँ। भारत माता की जय। भारत माता की जय।